वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दीप एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्वेंटरी वैल्यूएशन का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज़ फिफो मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज़ लिफो मेथड। और मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर अंडर लिफो मेथड। जून मंथ का आपको डेटा दिया हुआ है, जून फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, 3rd जून परचेज 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, 7th जून इशू 400 यूनिट्स, 14th जून परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, 22nd जून परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4, 26th जून इशू 300 यूनिट्स एंड 13th जून देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट्स। तो ये डेटा को हमें स्टॉक रजिस्टर में कन्वर्ट करना है अंडर लिफो मेथड दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बट बिफोर दैट आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी आपके ग्रुप्स हो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चैनल का एडवांटेज मिल सके, उस हिसाब से आप ये चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैनल का एडवांटेज ले सके और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर सिक्योर कर सके, राइट। तो आपको एक अपील है कि आप मेरा चैनल मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे, राइट। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम तीन कॉलम प्रिपेयर करेंगे, रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस। फर्स्ट कॉलम होगा आपका डेट का। रिसिप्ट में आपको इनर थ्री कॉलम प्रिपेयर करना है, क्वांटिटी रेट एंड रुपीस, इश्यू में भी क्वांटिटी रेट एंड रुपीस, बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट एंड रुपीस, राइट। तो ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा तीनों मेथड के लिए, मैंने पहले भी बताया था, आपको अभी भी एक बार फिर से बता रहा हूँ कि स्टॉक रजिस्टर के चैप्टर में आपका ये फॉर्मेट जो है वो फिक्स रहेगा। इश्यू के लिए देर आर थ्री मेथड्स, फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, राइट। तो डेट, रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस। रिसिप्ट में तीन कॉलम, क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट एंड रुपीस, राइट। अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ वो आप समझिए। जून फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, तो डेट में लिखेंगे फर्स्ट, क्वांटिटी 200, उसका रेट रुपीस 2 और मल्टीप्लीकेशन 400। और फर्स्ट डेट पर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम बैलेंस में लिखेंगे 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 मल्टीप्लीकेशन 400, राइट। नाउ थर्ड जून हमने परचेज किया 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 900 मिलेगा। अभी स्टॉक कैसे लिखना है, तो जो 200 था वो तो लिखना ही है, उसके नीचे एक लेयर क्रिएट होगा 300 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 3, 900। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये 300 लिखते हैं, ये 200 को भूल जाते हैं, वो नहीं करना है। 200 जो पहले वाला था वो तो लिखना है, इट इज़ अ बैलेंस। इश्यू के लिए हमें ये लिफो मेथड अप्लाई करना है, लेकिन स्टॉक लिखने के लिए या बैलेंस लिखने का तो तरीका तीनों मेथड में सेम रहेगा, वो याद रखना। तो 200 यूनिट्स यहाँ पर लिखेंगे और उसके नीचे जो नया वाला परचेज है वो लिखना है, राइट। अभी 7th जून को हमने इश्यू किया 400 यूनिट्स, तो 7th जून लिखा, इशू में हम ब्रैकेट में लिखेंगे 400, और 400 इशू करने के लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो ये दोनों में से लास्ट वाला था 300, वो पहले इशू करना है 300 एट द रेट ऑफ 3, 900। और मुझे 400 इशू करना था, मैंने ऑलरेडी 300 इशू कर दिया, तो अभी मेरा शॉर्टेज वो 100 यूनिट्स का आउट ऑफ दिस 400, वो यहाँ से लेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला पहले इशू होगा और उसके बाद जो बैलेंस बचा वो पहले वाले में से हमें लेना है। तो 100 यूनिट्स मैंने यहाँ से लिया एट द रेट ऑफ 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 200। अभी देखो 300 था वो यहाँ पर चला गया, 200 से मैंने 100 लिया, तो अभी बैलेंस बचा 100 एट द रेट ऑफ 2 मल्टीप्लीकेशन 200, आया समझ में। अभी आपको 14 जून में हमने परचेज किया 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, 14 जून लिखेंगे, 100 यूनिट्स लिखेंगे, 5 रुपीज़, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 500 मिला। स्टॉक लिखना है, ये 100 जो है वो तो कॉपी करना ही है क्योंकि उसमें से हमने कुछ इश्यू नहीं किया, दिस इज़ द बैलेंस, तो बैलेंस कैरी ओवर होगा और ये जो नया वाला परचेज है वो उसके नीचे लिखेंगे। आई अगेन रिपीट, जो 100 है वो तो लिखना ही है एट द रेट ऑफ 2 और उसके नीचे नया वाला परचेज उसके नीचे रहेगा, चाहे मेथड लिफो हो, चाहे मेथड फीफो हो, या कोई भी। स्टॉक का मेंटेनेंस ऐसे ही होता है, राइट। तो ये याद रखना। तो हमारे पास अभी 100 यूनिट्स 2 रुपीस वाले हुए और 100 यूनिट्स 5 रुपीस वाले, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, 22 परचेज किया 200 यूनिट्स, 22 लिखेंगे डेट में, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 मल्टीप्लीकेशन 800। स्टॉक लिखेंगे ये 100 वाला, उसके नीचे ये 100 वाला और उसके नीचे ये नया वाला परचेज 200 यूनिट्स। स्टॉक रजिस्टर याद रखना, 100 और उसके नीचे 200, राइट। तीनों का रेट डिफरेंट है, दैट इज़ वाई वी आर प्रिपेयरिंग स्टॉक रजिस्टर, क्योंकि हर एक परचेज
अलग अलग रेट से आपने किया हुआ है, तो स्टॉक भी अकॉर्डिंगली अलग अलग वैल्यू से इवेल्यूएट होगा। उसके बाद होगा 26 को इशू करना है आपको 300 यूनिट्स, तो मैंने लिखा 26, फिर ब्रैकेट में लिखा मैंने 300 यूनिट जो मुझे इशू करना है, भी लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि तीनों में से लास्ट वाला कौन सा है 200, तो उसको पहले इशू करना है। 200 यहाँ पर चला गया, मुझे 300 इशू करना है, मैंने 200 ऑलरेडी इशू कर दिया, तो अभी मुझे 100 और इशू करना है, दैट इज शॉर्टेज आउट ऑफ दिस 300, तो 100 लूँगा मैं यहाँ से, 100 एट द रेट ऑफ 500, राइट। तो मेरे पास अभी क्या बचा, ये पुराना वाला स्टॉक था वही 200 था यहाँ पर चला गया, ये 100 था यहाँ पर चला गया, मेरा 300 फुलफिल हो गया। अभी मेरे पास बैलेंस क्या बचा, तो ये 100 पुराना वाला स्टॉक था एट द रेट ऑफ 200, क्लियर। और लास्ट वन शॉर्टेज इज अ वन काइंड ऑफ इशू, राइट। तो 50 यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट बनाएंगे 50 यूनिट्स का, और 50 को मुझे यहाँ से लेना है, तो यहाँ सिर्फ 100 यूनिट्स है, वो 100 यूनिट्स है, मैंने 50 यूनिट्स लिया एट द रेट ऑफ 2 और 100 रुपीज़, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया। अभी 100 से 50 चला गया, मेरे पास स्टॉक बचा 50 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 2 और रुपीज़ 100, राइट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अभी आपका स्टॉक लिखना है एट द डेट 30 जून, तो ये जो 50 यूनिट्स है वही आपका स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और यू कैन से क्वांटिटी, रेट का टोटल नहीं करना है। और ये जो 100 रुपीज़ है वो ही लिखना है, ये सपोज़ यहाँ पर अगर दो वैल्यू होता तो दोनों का टोटल करके लिखता मैं, सिमिलर प्रोसीजर रुपीज़ के लिए भी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम है, एक ही यूनिट है, एक ही क्वांटिटी है 50 और 100, रेट का टोटल नहीं करना है। अभी आपको वेरीफिकेशन मैंने पहले भी सिखाया था, आज फिर से सिखा रहा हूँ, पहले आप क्वांटिटी का टोटल कीजिए रिसिप्ट का और रुपीज़ का टोटल कीजिए रिसिप्ट का, फिर आप ये जो ब्रैकेट है इशू के वो ब्रैकेट का टोटल कीजिए, अगेन सिर्फ ब्रैकेट का करना है 400, 350, 750 और रुपीज़ का टोटल करना है 2500, राइट। अभी आपको वेरीफाई करना है, तो 800 माइनस 750, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, यू विल फाइंड आउट 50, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलर प्रोसीजर फॉर रुपीज़, 2600 टोटल रुपीज़ रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट 2500, और ये दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा 100। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि मेरा आंसर परफेक्ट है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नए और वीडियो मैं अपलोड करूँगा वन बाय वन अलग अलग चैप्टर्स के। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड मैक्सिमम सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज़।